हाँ जी, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, क्या बोलो, रुको, पहले तो हाय हेलो बोल देता हूँ। हेलो जी, वेलकम है सुपर संडे विद मोहित गॉड लाइव चैट में। रुको, कैमरा तो सेट हो जाए। कैसे हो तुम सब? तुम सब तो सेट हो ना, मतलब कैमरा तो फिर भी सेट होता रहेगा। पहले तुम बताओ, तुम सब सेट हो क्या? कैसे हो तुम सब? आ जाओ, आ जाओ लाइव, आ जाओ, बस अभी मिस नहीं करना है चांस। ऋषभ भंसाली का पहला हाय आया है। हाय ऋषभ भंसाली, हाय शुभम जैन, कैसे हो सब? हाय प्रज्योत पाटिल, इस बार कम से कम प्रज्योत पाटिल का फर्स्ट हाई नहीं था। हर बार प्रज्योत पाटिल फर्स्ट हाई देता है अपन को, तो आज का पहला हाई का अवार्ड जाता है मिस ऋषभ भंसाली को। थालियां। तो जी, लाइव चैट शुरू हो चुकी है, मैं सबके कमेंट्स पढ़ पा रहा हूं। जोसलीन दियास कह रही है हाय, हाय अदिति डागा, हाय जयश्री चांदेकर, हाय हरीश मोहंती, हाय कीर्ति सिंगल, हेलो दिशा डियोग्रे, और हेलो आप सबको जो अभी लाइव चैट में हमारे साथ में ऐड हुए हैं, जुड़े हैं। तो आप सब कैसे हैं मुझे बताइए, कैसे हो, कैसा जाके रचा रहा है तुम्हारा संडे? बहुत सारी गुड न्यूज आनी बाकी हैं, बहुत सारी अमेजिंग न्यूज आनी बाकी हैं। एक अमेजिंग न्यूज इस लाइव चैट के एंड में मैं तुम सबको दूंगा। वो अमेजिंग न्यूज क्या होगी, वो एग्जैक्ट कुछ डेट्स हैं, फिगर्स हैं कि किस दिन क्या होने वाला है, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अब तुमको धीरे धीरे बताऊंगा क्या है, आज की लाइव चैट में बताऊंगा, ये फिक्स है। तो वो सरप्राइज धीरे धीरे रिवील करूंगा, तब तक के लिए तुम सब आ जाओ, हम थोड़ी बातें शाते कर लें, थोड़े गाने वाने गा लें, और तुम सबके हाल चाल पूछ लूं। मैं अपना हाल बता दूं, तुम्हारा अपना हाल बताता हूं, पर पहले तुम्हारा हाल पूछूंगा मैं। हाँ, तो हाय विधि पंचाल, हाय वैष्णवी, हाय रोहित अग्रवाल, वो पूछ रहे हैं हे ब्रो कैसे हो, तुम्हारा मोहित एकदम मस्त है, मतलब सुपर मस्त। और ये माइंड मत करना मेरे को, क्या आदत है पहले से। अब लाइव चैट में होता क्या है, मेरे को मेरी शक्ल दिखती है एक तरफ, और साइड में तुम सबके कमेंट्स दिखते हैं, तो मैं यही करता रहता हूँ, खुद की शक्ल देखता हूँ, फिर तुम्हारे कमेंट्स देखता हूँ, खुद की शक्ल देखता हूँ, मुझे ठीक करता हूँ, बाल ठीक करता हूँ, और तुम्हारे कमेंट्स देखता हूँ। तो हाय कुणाल बावरिया पासी, वी आर लुकिंग फॉर यू टू मेक आवर संडे। ओके, तो कुणाल ब्रो ने कहा वी आर लुकिंग फॉर यू टू मेक आवर संडे, तो मतलब अभी तुम सबका एंटरटेनमेंट का जो टोटल पैकेज है यहाँ पर है, तुम्हारा मोहित यहाँ पर तुम सबको एंटरटेन करने के लिए हाजिर हो चुका है। तो पहला सॉन्ग तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए होगा कौन सा? अभी क्या ये जो तुम देख रहे हो, ये मतलब ये गिटार का मिनिएचर वर्जन है, इसको गीटा लीले कहते हैं, ये बहुत ही अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, और ये मेरा नहीं है, ये है आकर्ष का, मेरे बेस्ट फ्रेंड का। तो आकर्ष का गीटा लीले है, और आकर्ष ने इसको प्यार से नाम दिया है लैला। लैला को कैसे अच्छे से प्ले करते हैं मुझे नहीं आता है, देखो फ्रेंकली तुमको बता रहा हूँ, पर ये फिर भी बहुत प्यारी चीज है, उसकी साउंड बहुत ब्यूटीफुल है। तो चलो देख, अरे यार ये नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही हो क्या है? यहाँ बारिश वगैरह थोड़ी सी हो रही है ना, मुंबई में बहुत अमेजिंग बारिश हो रही है, तुम सबको बता दूं। आई होप तुम्हारी प्लेसेस में बहुत ही ब्यूटीफुल से मौसम हो रहा होगा, बहुत अमेजिंग बारिश हो रही होगी। तो ऐसे कुछ बारिश में थोड़ा रोमांस का मन करता है ना, मतलब थोड़ा सा ऐसा मूड करता है कि रोमांटिक हो जाओ, तो रोमांटिक सा गाना कुछ तो गाना ऐसा है कि किसी का सपना लगे तू, किसी को बहती हवा, किसी के सोचूं सुन ले, किसी का सच भी कुना, किसी की बस यादों में कर हलचल सारा जहां, किसी के सोचूं सुन ले, किसी का सच भी गुना, किसी की बस यादों में करे हलचल सारा जहां। तो टीमो नहीं थी अम्मो, तू छांव है तू धूप है, टीमो नहीं थी अम्मो, तेरे हजारों
रूप है कोई समझा नहीं, जो भी है बस खूब है। तो आई एम फॉलिंग इन क्रेजी, आई एम फॉलिंग क्रेजी इन लव बिकॉज ऑफ यू। वाह वाह वाह, मतलब तुम्हारे नाल प्यार हो गया है जी, और तुम्हारे नाल ये जो प्यार है वो चलता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। इसी के साथ में अभी थोड़ी देर लैला को कहते हैं बाय, और लैला का एक को कहेंगे बाय, और तुम सबको कहेंगे वापस से हाय, अच्छे से बात बात करते हैं। तो जी वापस से वही मेरी आदत पुरानी वाली, बाल बनाने की, क्या करूँ, जाती नहीं है, अच्छा लगता है यार, क्या करूँ। तो तब तक के लिए, हाँ कैसे हो तुम सब, अब थोड़ा हाथ में आ गया मामला, इतनी देर से अभी वो स्टैंड पर था, ये सेल्फी स्टैंड पर था। कैसे हो तुम सब, अरे यार बाल तो सही लग रहे हैं, ठीक है थोड़े से अजीब हो रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी तो पंकज नरवानी कह रहे हैं ब्रो चुरा लिया गावना, वाह। हेतल नथानी कह रही है ये उनका फेवरेट सॉन्ग था। फातिमा सादी कोट कह रही है हाय, हाय फातिमा। रवि प्रकाश कह रही है लव योर सॉन्ग। ऋतिक अग्रवाल कह रहे हैं हाय। उपासना सेन गुप्ता ने कहा आई लव यू मोहित, यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल इन दिस होल वर्ल्ड। यार क्या कहूँ, मतलब बहुत प्यारा लगता है ये, जब भी ऐसा कुछ पढ़ता हो ना, मतलब थैंक यू इतना प्यार करने के लिए। और यार मेरे में ना पता कभी कभी बहुत अच्छा होता है कि तुम सबको बहुत सारी बातें बताऊँ, बहुत सारी दिल में बातें होती हैं, बहुत सारी तुम्हारे दिल में बातें होती हैं, तो अपन सब एक दूसरे से वो बातें शेयर करते रहें। तो ऐसी कुछ फील आती तो बताऊँगा, कुछ फील आएगा तो बताऊँगा। हाँ जी तो धनश्री कुलकर्णी कह रही है मेरा नाम एक बार प्लीज। हाय धनश्री, हाय काव्य अग्रवाल, हाय निक धदीच, हाय मोनी दत्ता। मोनी दत्ता कह रही द वीडियो इज बफरिंग, अनएबल टू हियर एनीथिंग। हाँ जी तो देखो बफरिंग तो होगा, अगर देखो नेट कनेक्शन आपका बढ़िया हुआ एकदम चकाचक, तो फिर धड़ाधड़ वीडियो आपको लाइव दिखेगा, और अगर नेट कनेक्शन हुआ थोड़ा सा खराब बारिश या मौसम या किसी भी वजह के कारण, तो थोड़ा वीडियो बफर होने में टाइम लगेगा। तो तब तक के लिए अब मैं तुमको अपने पसंद से एक सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ, तो अगर आप सबकी इजाज़त हो तो क्या मैं वो सॉन्ग सुना सकता हूँ, क्या आप सबकी इजाज़त है? मे आई प्रोसीड मैम एंड सर? ओके, लगता है आप सब ने इजाज़त दे दी है। अनस जुबैर कह रहे हैं मेरा नाम एक बार। ज्योति सेठी कह रही व्हाट अबाउट चेन्नई, जरूर आएंगे चेन्नई भी ज्योति सेठिया। अरे तुम सबसे आना पड़ेगा मुझे, और आऊंगा मैं। तो तब तक के लिए ओके लेट्स सिंग द नेक्स्ट सॉन्ग, और नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा होगा, रुको एक मिनट। वापस आ गया, मैं कहीं नहीं गया था, बस थोड़ा सा इधर साइड में ही था मैं थोड़ा। हाँ जी तो अब जो नेक्स्ट सॉन्ग होगा वो मेरी पसंद का होगा, आप सबको सुनना पड़ेगा मेरी पसंद का वो सॉन्ग। सॉन्ग का नाम है मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी मिटा ना सकोगे। वेट करना, बाजू वाले रूम में डिस्टरबेंस आ रहा है, देखो लाइव चैट है, लाइव चीजों में लाइव चीजें तो होती रहेंगी, तो एक मिनट मैं वो डिस्टरबेंस को थोड़ा सा पॉज कर आता हूं, उसके बाद में फिर अपन लाइव चैट कंटिन्यू करते हैं। गिव मी 2 सेकंड्स प्लीज, 2 सेकंड वेट करना मेरे लिए। हाँ जी तो वापस से आ गया हूँ मैं, यहीं पर था, कहीं नहीं गया था, बस साइड से मतलब थोड़ा सा जो मतलब शोर हो रहा था उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए गया था। तो जी ये जो सॉन्ग है वो मेहंदी हसन साहब ने गाया है। मेहंदी हसन जी के बारे में आप सबको बता दूँ जिनको नहीं पता है, ऑब्वियसली सबको तो पता होगा पर जिनको नहीं पता है, तो मेहंदी हसन साहब पूरी दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट गज़ल सिंगर्स में से एक हैं,
और मेहंदी हसन साहब की बहुत ही ब्यूटीफुल सी गज़ल है जो अली ज़फ़र ने, बहुत ही फेमस सिंगर है अली ज़फ़र, फेमस सिंगर, एक्टर, पेंटर। तो अली ज़फ़र जो इतने मल्टी टैलेंटेड हैं, उन्होंने ये गाना, एक सॉन्ग, ये जो सॉन्ग है मुझे तुम नज़र से गिराते रहे हो, ये उनका वर्जन मैंने सुना था एक शो में, एक ऑडियो मेरे पास में आया था, फिर मैंने शो में भी देखा था उनको एक आते हुए, तो मुझे बहुत पसंद आया था ये सॉन्ग, इसलिए मैं तुम सबके लिए सॉन्ग गा रहा हूँ। सॉन्ग का नाम है मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों ये यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे याद हो कि जिधर जाओगे तुम कभी नगमा बन बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन बन के, कभी बन के आंसू, तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम। शम्मा जो जलाई है मेरी वफा बुझाना भी चाहोगे, बुझाना सकोगे। मुझे तुम नजर से बस ऐसे ही मैंने कुछ फील आगे से लगा दिया यार। और तुम सब कैसे हो? शबा जावेद कह रही हैं थैंक्स फॉर सिंगिंग अ लवली सॉन्ग फॉर अस, थैंक यू सो मच शबा। और अमूल्य स्वामी कह रहे हैं सो स्वीट, थैंक यू अमूल्य ब्रो। मोनी दत्ता कह रही हैं कैन यू प्लीज सिंग द टाइटल ट्रैक ऑफ इश्क अनप्लग्ड, मे बी एट द लास्ट बट प्लीज आई एक्चुअली लव द शो एज वेल एज द ट्रैक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको इश्क अनप्लग्ड शो पसंद आया, थैंक यू सो मच आप सबको जो अभी देख रहे हैं जिनको ये सॉन्ग पसंद आया, थैंक यू सो मच फॉर लविंग द सॉन्ग। एंड इट इज इंडीड अ ब्यूटिफुल सॉन्ग बाय None other than the greatest legendary singer that मतलब पूरे वर्ल्ड में कभी कोई आया हो, मेहंदी हसन साहब। उनका एक वर्जन था जो अली ज़फ़र ने गाया था और ये मेरे को बहुत पसंद है गाना, इसलिए मेरे को फील आई तो तुम सबको सुना दिया मैंने। और बस कोशिश करी गाने की और आप सबको अच्छा लगा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आकाश ब्रह्म भट्ट कह रहे हैं जवाब भाई ड्रामा क्वीन, बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है ड्रामा क्वीन आपका। तो ड्रामा क्वीन कह रही है हे हाय ड्रामा क्वीन। धर्मा प्रमोद शर्मा कह रहे हैं मोहित प्लीज इतनी क्यूट स्माइल ना दिया करो मेरा दिल। अरे यार सो स्वीट धारना थैंक यू सो मच। वैष्णवी कह रही है व्हेन आर यू कमिंग टू पुणे, तो वैष्णवी जल्दी आता हूँ पुणे, जल्दी आता हूँ, तुम सबके सिटीज में आना है मुझे, तुम सबसे मिलना है, तुम सबके लिए गाना है, खूब सारा गाना गाना है। और अब जो सरप्राइज जो तुम सबको बताना था मुझे, जो सीक्रेट चीज थी, जो एक डेट तुम सबको बतानी थी, वो ये है कि फाइनली आज मेरे पास में एक डेट आई है जो हमारा नेक्स्ट सॉन्ग होने वाला है,
नेक्स्ट सॉन्ग का नाम क्या होगा ये मैं अभी रिवील नहीं कर पाऊंगा शायद, पर नेक्स्ट सॉन्ग रिकॉर्ड हो चुका है ऑडियो, उसके कॉम्पोजर और लिरिसिस्ट है कुणाल वर्मा एंड रैपरिया बालम। इस सॉन्ग को मैं गा रहा हूँ, संजना शर्मा जी प्रोड्यूस कर रही हैं, जिन्होंने ये सेम वही टीम है जिनने आप सबका फेवरेट फिर मुझे दिल से पुकार तू सॉन्ग बनाया था। तो फिर मुझे दिल से पुकार तू का सेकंड पार्ट आने वाला है। इस सॉन्ग का ऑडियो रिकॉर्ड हो चुका है, इसका म्यूजिक बन चुका है, अब इसका म्यूजिक वीडियो शूट होने वाला है। और वो कब होने वाला है? वो होने वाला है 8th and 9th of August को। कहाँ पर होने वाला है? ये होने वाला है जयपुर के पास में, एक बहुत ब्यूटीफुल सा रिजॉर्ट है, लोहागढ़ रिजॉर्ट। तो अभी डेट्स फाइनल हो चुकी हैं, आज मेरे पास डेट्स आई हैं, तो 8th और 9th of August को हमारा म्यूजिक वीडियो शूट होने वाला है। तो बस तुम सब प्रे करना कि अच्छे से ये हो जाए और मतलब मस्त सा एक वीडियो बने, बहुत इंटरेस्टिंग सा कुछ हो और तुम सबको पसंद आए। होप ये करता हूँ, बस तुम सब खुश होने चाहिए हो यार, तुम सबको अच्छा लगना चाहिए, तुम सबको गाना पसंद आना चाहिए, तुम सबको वीडियो अच्छा लगना चाहिए, तुम सब खुश होने चाहिए हो, बस तुम सब के लिए तो कर रहे हैं हम सब भी हैं। तो बस प्रे करना, तुम सबकी विशेष चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो जल्दी ये गाना 8th and 9th of August को ना म्यूजिक वीडियो होने वाला है इसका शूट, और मोस्ट प्रोबेबली 24th of September को रिलीज होगा ये सॉन्ग। तो सितंबर में रिलीज अवेटेड है, लेट्स सी क्या होता है। एंड पापिया बात कर रही है, आई लव योर हेयर ऑल्सो योर ड्रेस, थैंक यू सो मच पापिया, थैंक यू सो मच। पुनर्वा पूनू कह रही है प्लीज, पुनर्वा पूनू पर प्लीज किसके लिए ये तो बताओ, प्लीज किस वजह से। प्रशियस्तानी कह रही है बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच प्रशियस्तानी। सृष्टि टर्के कह रही है ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर वीडियो शूट, थैंक यू सृष्टि। अब देखो मेरे पास किस किस के विशेज आ रहे हैं इस टाइम, मेरे पास आ रहे हैं तनु गोयल की विशेज आ रही हैं, तानिया गिरी की विशेज आ रही हैं, वैष्णवी की आ रही हैं, वैष्णवी अथ्रियस की आ रही है, दो दो वैष्णवी मतलब हाँ अपनी फैमिली में, अपनी बड़ी सी फैमिली में खूब सारे लोग हैं। तो अभी जो लाइव चैट में उनमें से एक वैष्णवी और एक है वैष्णवी। तो जी आप सबकी विशेस मिल चुकी है, मैंने अपना सीक्रेट बता दिया है, और जाते जाते एक और कोई सॉन्ग गाते हैं अपन। तो आप बताइए आपको कौन सा सॉन्ग सुनना है, जो आप कहोगे सुना देंगे जी, बस आप जो कहो, जो भी आप कहो। समझ में नहीं आ रहा कौन सा गाना गाऊं, तुम बताओ ना कौन सा गाना गाना है। तो मानसी सिसोदिया कह रही है कपकेक सुनना है उनको, निशांत कह रहे हैं तुम ही हो सुनना है, तनु गोयल कह रही है जग घूमिया यू प्रॉमिस्ड अबाउट इट। अरे यार तनु गोयल को तो याद भी है, मैंने प्रॉमिस किया था, पर यार क्या करूं प्रॉमिस तोड़ा नहीं है मैंने, पर प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाऊंगी, मेरे को अभी भी लर्न नहीं हुआ है गाना, पर उसकी वो लाइन याद हुई है मुझे, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, ना वो अखियां रुमानी कहीं, ना 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 ना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। सॉरी ना यार माफ कर देना, मेरे को पूरा गाना आता नहीं है, और सॉरी मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया, मतलब देखो ऐसा नहीं कि मैंने मतलब प्रॉमिस पूरा नहीं किया, थोड़ा सा गाया तो अभी पूरा भी गाऊंगा एक दिन तुम सबके लिए अच्छे से याद करके। दीपक सिंह मैं आप सबको बता दूं अपने बहुत पुराने फैमिली मेंबर, और दीपक सिंह बहुत ही अमेजिंग इंसान है, मेरे को अभी तक याद है जब से मैं फर्स्ट टाइम लाइव चैट शुरू किया था तब से दीपक सिंह हमारी फैमिली के साथ में, और दीपक सिंह रेगुलर यूट्यूब पे अपने फेसबुक जो अपने लाइव वीडियोज आते हैं उनको यूट्यूब पर अपने चैनल पर अपलोड करते हैं बहुत ही प्यार से। तो दीपक सिंह टू आई लव यू ब्रो, और बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे कमेंट्स देखकर, तुम सबके कमेंट्स देखकर, इनफैक्ट सबके सब मतलब मान लो अपनी एक दुकान है और यहाँ पर तुम सब रेगुलर कस्टमर हो। तो जो रेगुलर कस्टमर जैसे तानिया गिरी वो हमेशा लाइव चैट में आती हैं, आरती सियाल, प्रभजोत पाटिल, ऋषा भंसाली,
और मतलब तुम बहुत सारे हो जो मतलब लाइव चैट में रेगुलरली आते हो, नेहू मलिक हैं, और तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है तुम सबसे बार बार बातें करता हूँ, और भी नए मेंबर्स अपनी फैमिली से जुड़ते जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी दीपक कह रहे हैं कि उनको एक इंग्लिश सॉन्ग सुनना है, मानसी सिसोदिया कह रही है कि कपकेक सुनना है, पलक पटेल कह रही है कि कपकेक सुनना है, शाबा जावेद कह रही है दिल्ली आओ ना आप, तो दिल्ली भी जरूर आएंगे। ओह पापिया वैद ने कहा है तेरे संग यार, और यार मुझे वो बहुत प्यारा है सॉन्ग, बहुत पसंद आया मुझे इनिशियली, मतलब अभी वो इन दिनों बहुत अच्छा लगता है मुझे सॉन्ग, तो वो सॉन्ग की थोड़ी सी लाइनें गाता हूँ। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बारा ना 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 ना, अरे यार याद नहीं ये भी, सॉरी याद करूंगा, ये भी याद करूंगा, याद करके गाऊंगा। तो तब तक दीपक सिंह की रिक्वेस्ट थी उनको इंग्लिश सॉन्ग सुना था, तो इंग्लिश सॉन्ग सुनाऊंगा पहले कोई सा, तो इंग्लिश सॉन्ग में मुझे कौन सा आता है, इंग्लिश सॉन्ग मुझे आता है I can be your hero baby, I can kiss away the pain, I would stand by you forever, you can take my breath away, I can be your hero baby, I can kiss away the pain, I would stand by you forever, you can take my breath away, रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब तू, मखमली सी रेशमी सी आवाज तू, जिसको सुन के तेरी नींद को आराम हो, जैसे मैं के तेरे पास में गुलाब हो, कहती जिंदगी में आया कैसा क्रेक है, कह ले कुछ भी तू मेरा, तू जो वहां देख रहा है, जो वहां कमेंट कर रहा है, जो मुझे इतना प्यार कर रहा है, कह ले कुछ भी तू मेरा कपकेक है, कपकेक है, हाँ कपकेक है, समझे। चलो अब नेक्स्ट संडे फिर से मिलेंगे, और तब तक के लिए आई लव यू, एक बार तुम भी आई लव यू कह दो, मतलब प्यार से आई लव यू कह दो, बाय बाय बाद में कहना, पर पहले आई लव यू कह दो तो मेरे को मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब देखो और क्या चाहिए, आई लव यू चाहिए मुझे तुमसे, और कुछ नहीं चाहिए, बस प्यार प्यार चाहिए, मैं तुमको प्यार करूंगा, तुम मुझे प्यार करो, और अपनी ये जो रिलेशनशिप है ना बहुत मस्त चलेगा भाई। हाँ तो आई लव यू एंड टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय योर संडे, एंजॉय योर एवरी डे, सब खुश रहो, सबको खुश करो, किसी को मतलब बस दुख मत पहुंचाओ, और मतलब सब प्यार से रहो, और याद रखना सब ना अपन कोई अलग नहीं है, अपन सब एक है, कोई डिफरेंट लोग नहीं है, अपन सब एक है, समझाऊंगा कभी तुम्हें, जो भी दिल में मैं सोचता हूँ सब शेयर करूंगा, अभी नहीं, अभी टाइम है जाने का, रेस्ट करने का, डिनर करने का, टीवी देखने का, एंजॉय करने